तो ये प्राइमरी विंग से ही अटैच्ड है हमारी कैंटीन, एंड इसके पीछे जा रहा है फ्लाईओवर जो मेट्रो वाला है, ये फाउंटेन है, एंड इसके बाद ये हमारा मेन रिसेप्शन। ऑलमोस्ट ये 1 किलोमीटर की रोड है, एंड इस पूरी रोड पे था केमिस्ट्री का पीरियड चालू हो गया था, एंड उसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों को बेल सुनाई नहीं दी। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30, एंड हमारा हो चुका है यहाँ पे क्विज 1 ओवर, एंड इसके नंबर भी आ चुके हैं विच इज़ 6 out of 15। तो उतने अच्छे नंबर तो नहीं आया है, बट अच्छी बात यह है कि इसका एवरेज भी कम ही है, इसका एवरेज भी 5 के आसपास ही है। एंड ये क्विज थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज 2 फैक्टर की वजह से। पहला फैक्टर तो ये कि नेगेटिव मार्किंग थी इसमें 1/2, एंड दूसरा ये कि इसमें नेविगेशन अलाउड नहीं थी। अब फ्री नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन पे हो उसको या तो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा या फिर आपको उसको स्किप करना पड़ेगा, एंड अगर आप एक बार आप आगे बढ़ गए फिर आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते एज़ पर योर चॉइस। तो आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी में चलना पड़ता है एंड आप वापस नहीं जा सकते। तो इस वजह से थोड़ा कुछ डिफिकल्ट था, एंड इस वजह से थोड़ा नंबर कम आया, बट कोई नहीं, सब चलता रहता है, कभी कभी ज़्यादा जाते हैं कभी कभी कम आ जाते हैं। एंड इन सबको छोड़ते हैं, अब चलते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करने। सो हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग, एंड आई जस्ट हैड माय ब्रेकफास्ट, बढ़िया व्हाइट सॉस पास्ता खा लिया, एंड अभी चलते हैं अपने स्कूल। स्कूल में क्यों जा रहा हूँ, बिकॉज मेरी एक छोटी बहन है, शी इज़ इन क्लास 12th, एंड उसको लग रही है आज को वैक्सीन की सेकेंड डोज। इस वजह से मैंने सोचा मैं भी स्कूल जाता हूँ, इस बहाने एक बढ़िया सा ब्लॉग बना दूंगा आप लोगों के लिए, एंड काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी लीक से हटके ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊंगा जहाँ से मैंने अपनी क्लास 12th करी है, एंड डिटेल में सब चीज़ें बताऊंगा एंड उससे रिलेटेड कुछ बड़े एक्सपीरियंसेस भी। तो देखते हैं इस ब्लॉग को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में, एंड अभी चलते हैं स्कूल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस फाइनली स्कूल पहुंच चुके हैं विच इज़ दिल्ली पब्लिक स्कूल गाज़ियाबाद, एंड ये है इंडस्ट्रियल एरिया में, एंड वो है मेरी बहन जो अपनी फ्रेंड से मिल रही है, एंड अभी चलते हैं घर के अंदर, सॉरी स्कूल के अंदर, एंड मम्मी गई है मेरी कार पार्क करने, तो लेट्स गो इनसाइड द स्कूल। सो गाइस एंटर इनटू द DPSG प्रेमाइसेस, एंड हमारा स्कूल है मेनली डिवाइडेड इनटू 5 बिल्डिंग्स। तो पहली बिल्डिंग है रिसेप्शन जो कि मेन बिल्डिंग है, देन प्राइमरी विंग, सेकेंडरी विंग एंड सीनियर सेकेंडरी विंग, एंड जो लास्ट है वो है लाइब्रेरी एंड IB कॉम्प्लेक्स। तो पहला जो विंग है दैट इज़ द रिसेप्शन एरिया, तो ये है हमारा मेन रिसेप्शन एरिया, एंड जो पीछे है वो है हमारा मेन गेट, तो वहाँ से एंट्री लेके ये फाउंटेन है, एंड इसके बाद ये है हमारा मेन रिसेप्शन। तो चलते हैं एक एक विंग की तरफ, पहला विंग आपको कवर कर दिया, अंदर से मैं नहीं दिखा रहा बिकॉज अंदर से दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, प्लस उतना टाइम नहीं है, प्लस शायद अलाउ भी नहीं करेंगे क्योंकि मैं अपना वो वाला कार्ड लाया नहीं। तो ये है हमारा रिसेप्शन एरिया, एंड अब चलते हैं हमारे एक एक करके विंग्स की तरफ। तो सबसे पहले कवर करते हैं हमारा प्राइमरी विंग जो है सबसे उधर की साइड, तो लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे 3 विंग से। तो जो 3 विंग है DPSG के वो हैं आपके प्राइमरी विंग, सेकेंडरी विंग एंड सीनियर सेकेंडरी विंग। तो सबसे पहले आता है हमारा प्राइमरी विंग जो कि है ये वाला पूरा, विच इज़ फॉर क्लास टिल क्लास 5th। तो ये हमारा गेट नंबर 3, जहाँ से हम आए थे वो था गेट नंबर 1, एंड ये वाला जो है गेट नंबर 3 से अटैच्ड है, पूरा प्राइमरी विंग है, बहुत बड़ा है ये टिल क्लास 5th। एंड जो आपका सेकेंडरी विंग एंड सीनियर सेकेंडरी विंग है वो है इसके अपोजिट साइड, यानी कि बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे। बास्केटबॉल कोर्ट के पीछे दोनों विंग्स हैं हमारे सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी, तो एक एक करके मैं दोनों को दिखा लेता हूँ। सो गाइस दैट इज़ द सेकेंडरी विंग, एंड ये है हमारा सीनियर सेकेंडरी विंग। तो ये आपको दिखने में छोटा लग रहा होगा बट ये पीछे की साइड पूरा फैला हुआ है, एंड सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो। तो जो सेकेंडरी विंग है वो है आपका फॉर क्लास 6 to 10, एंड जो सीनियर सेकेंडरी विंग है वो है फॉर क्लास 11th and 12th, बिकॉज इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीम्स भी डिवाइड हो जाती हैं। तो ये है हमारे दोनों विंग्स, एंड ये है हमारा प्राइमरी विंग टिल क्लास 5th। तो 3 विंग्स हैं टोटल DPSG के अंडर, एंड अब दिखाता हूँ मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट चीज़ है। सो गाइस मैं विंग्स को अभी अंदर से कवर नहीं कर पा रहा बिकॉज इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बट मैं ऑब्वियसली क्लासरूम की फ़ोटो वगैरह डाल दूंगा, एंड मतलब कि हमारे अंदर से क्लासरूम कैसे दिखते थे एंड कॉरिडोर वगैरह। तो अंदर से मैं कवर नहीं कर रहा बिकॉज शायद परमिशन की प्रॉब्लम आ सकती है, एंड मेरे पास उतना टू बी ऑनेस्ट टाइम भी नहीं है। एंड अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे बात याद आ गई, मतलब वो एक्सपीरियंस था एक
मतलब 11th क्लास में हम लोग खेल रहे थे एंड यहीं पर हम लोग बैठे हुए थे, मैं और मेरा दोस्त था एक अरियंत, तो हम लोग बैठे हुए थे एंड हमारा क्या हुआ था, केमिस्ट्री का पीरियड चालू हो गया था एंड उसके बाद क्या हुआ था, हम लोगों को बेल सुनाई नहीं दी। तो उससे पहले था हमारा लंच, लंच के बाद हम लोग बैठे रहे, हमें बेल सुनाई नहीं दी, हम लोग को दिखा बाकी सारे बच्चे चले गए लेकिन हम थोड़ा लेट गए थे, तो उसके बाद हमारे बैग उठा के रख दिए थे कोऑर्डिनेटर के पास, तो हमारा तब बंक में नाम आ गया था एंड हमारे घर पर कॉल चली गई थी। तो वो भी एक एक्सपीरियंस था, ऐसे बहुत बार हो रखा है। एक बार ऐसे भी हुआ था कि हमारा पीई पीरियड था, उसके बाद मुझे बेल सुनाई नहीं दी, तो हम लोग खेलते रहते, मैं और मेरा एक दोस्त अभिजय था, उसको हम दोनों खेलते रहते एंड उसके बाद हमें बेल सुनाई नहीं दी, जिसकी वजह से हमको काफ़ी डांट पड़ी थी उस दिन। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं लेकिन अब इनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट याद बहुत आती है। अब लगता है कि यार स्कूल टाइम भी उतना बुरा नहीं था एंड मुझे पता है काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ में अगर डिस्कस करें तो कॉलेज लाइफ इज़ बेटर, आई ऑल्सो अग्री विद दैट, बट मतलब वही चीज़ है कि स्कूल लाइफ आपको जहाँ डिसिप्लिन सिखाती है वहीं कॉलेज लाइफ आपको सिखाती है कि अपने आप जो आपकी इंडिपेंडेंसी है उसको आप कैसे कंट्रोल करो एंड अपनी लिमिट्स में रख के कैसे आप खुद के डिसीजन लेना सीखो। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली स्कूल लाइफ एंड कॉलेज लाइफ में, बट आई कैन गारंटी दैट यू विल मिस द स्कूल लाइफ टू अलॉन्ग विद कॉलेज लाइफ एंड इक्वली इंपॉर्टेंट होती है दोनों चीज़ें। तो ज्ञान की बातें बहुत हो गई अब एंड करते हैं वीडियो को आगे कंटिन्यू। लास्ट विंग की तरफ जो है ये वाला विंग, तो ये है लाइब्रेरी एंड आईबी कॉम्प्लेक्स। आईबी मतलब कि इंटरनेशनल बोर्ड जिसमें कि फॉरेन करिकुलम फॉलो होता है। तो ये हमारा लास्ट विंग, जो ये लास्ट बिल्डिंग आपको दिख रही है ये है हमारी लाइब्रेरी एंड आईबी कॉम्प्लेक्स। तो इसी के साथ साथ हमारे सारे विंग होते हैं कम्प्लीट एंड अब बढ़ते हैं हमारे बाकी पाँच चीज़ों की तरफ, जो कि है कैंटीन, फुटबॉल ग्राउंड एंड बास्केटबॉल कोर्ट एंड आपका बस पार्किंग एरिया एंड लास्ट है आपका स्टेडिया, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो असेंबली हॉल, ओपन एयर थिएटर। तो ये पांच चीज़ें हम कवर करते हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। सो गाइस, को करेक्शन में पहले आता है हमारा फुटबॉल ग्राउंड। तो ये है पूरा हमारा फुटबॉल ग्राउंड एंड फुटबॉल ग्राउंड के एंड पे हमारा वॉलीबॉल कोर्ट भी है एंड सिमिलरली क्रिकेट का नेट भी है एंड ये बाउंड्री है स्कूल की एंड इसके पीछे जा रहा है फ्लाईओवर जो मेट्रो वाला है। तो दिस इज़ द फुल फुटबॉल ग्राउंड जो कि एक अच्छा खासा बड़ा है एंड काफ़ी अच्छा फुटबॉल ग्राउंड है। अभी इसकी मेंटेनेंस थोड़ी ख़राब है बिकॉज अभी बच्चे बच्चे नहीं आ रहे, बट जब हमारा स्कूल फंक्शनल होता है तो काफ़ी अच्छे इसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन एंड जोनल कॉम्पिटिशन एंड वो क्रिकेट नेट है जहाँ पे क्रिकेट टीम प्रैक्टिस करती है एंड वो है वॉलीबॉल कोर्ट जहाँ पे हम कभी कभी वॉलीबॉल खेलते थे जब स्कूल से जब हमारा पी पीरियड होता था तब खेलते थे एंड वो मैंने आपको दिखा दिया, दैट इज़ द सेकेंडरी विंग। तो अब बढ़ते हैं हमारे बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ। सो गाइस, फुटबॉल ग्राउंड मैंने आपको कवर कर दिया एंड इसके जस्ट पीछे या फिर जस्ट एडजेसेंट आप कह सकते हो है हमारे पांच बास्केटबॉल कोर्ट विच इज़ डिवाइडेड इनटू ऑब्वियसली 10 हाफ कोर्ट्स। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये पांच हमारे बास्केटबॉल कोर्ट्स हैं एडजेसेंट टू द फुटबॉल ग्राउंड। सो गाइस, उन पांच चीज़ों में से जो तीसरी चीज़ है वो है हमारी कैंटीन। तो ये थी हमारी कैंटीन, करंटली क्लोज्ड है एंड इसमें जो सबसे अच्छा आइटम मिलता था वो था हमारा फ्राइड राइस एंड मंचूरियन जो मैं काफ़ी खाता था एंड अमूल वाला फ्लेवर्ड मिल्क। तो ये प्राइमरी विंग से ही अटैच्ड है हमारी कैंटीन एंड दो फ्लोर की कैंटीन थी, नीचे था हमारा एक तरह से शॉप वाला एरिया जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हो एंड ऊपर था हमारा डाइनिंग एरिया जिसमें आप बैठ के खा सकते हो। तो दिस इज़ द कैंटीन एंड कैफेटेरिया एंड ये पीछे मैंने आपको दिखाई दिया, दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट एंड उसके पीछे फुटबॉल ग्राउंड। तो अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा, दिख नहीं रहा होगा एंड चलते हैं अब हम अपनी फोर्थ एंड फिफ्थ चीज़ की तरफ। सो गाइस, एज यू कैन सी दिस इज़ द ओपन एयर थिएटर और द स्टेडिया एंड इसमें होते हैं हमारे काफ़ी सारे फंक्शन जैसे कि आपका फेयरवेल हो गई, मॉर्निंग असेंबली हो गई एंड एनुअल फंक्शन हो गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा ओपन एयर थिएटर है डीपीएस जी का एंड ये पीछे इसका स्टेज, तो ये काफ़ी अच्छा एक इंटीग्रेटेड पार्ट है डीपीएस जी का एंड काफ़ी अच्छे हमारे फंक्शन होते हैं एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे। हमारी रोज़ मॉर्निंग असेंबली होती थी यहाँ पे जिसे हम लोग कभी कभी बंक कर देते थे। तो ये है हमारा स्टेडिया। सो एज यू कैन सी दिस इज़ द होल रोड जिसपे हमारी बस पार्किंग होती है एंड डीपीएससी के पास काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है एंड काफ़ी सारी बसेस हैं। तो ये जो पूरी रोड है ऑलमोस्ट ये 1 किलोमीटर की रोड है एंड इस पूरी रोड पे हमारी सारी बसेस पार्क होती हैं, ऑलमोस्ट 40-50 बस हैं एंड ये रहा स्टेडिया जो हम अभी कवर करके आए थे। तो बेसिकली स्टेडिया का बैक साइड है, तो ये है हमारा बस की पार्किंग एरिया एंड बाकी चीज़ें मैंने आपको कवर कर दी हैं।
सो गाइस मैंने आपको जो बताया समराइज कर लेते हैं। दिस इज द बास्केटबॉल कोर्ट, दैट इज द फुटबॉल ग्राउंड, एंड ये है हमारा प्राइमरी विंग पूरा फॉर क्लास टिल क्लास फिफ्थ, एंड ये है हमारा कैंटीन एंड कैफेटेरिया, एंड उधर की साइड जाके वो सामने था हमारा स्टेडिया। दिस इज द सीनियर सेकेंडरी विंग, दैट इज़ द सेकेंडरी विंग, एंड ये है हमारा बस पार्किंग एरिया जो कि पूरी 1 किलोमीटर की लंबी रोड है, एंड यहाँ मीटिंग चल रही है मैंने बताया था, एंड दिस इज द एनसीसी प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन, बेसिकली द परेड वाली चीज़ जो होती है। एंड एक और मैं बोनस चीज़ कवर करता हूँ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो दिस इज़ आर एक तरह से आप कह सकते हो स्पोर्ट्स रूम एंड जिम। तो यहाँ पे जिम था हमारा, एंड जो स्पोर्ट मुझे काफ़ी पसंद था जो मैं बहुत ज़्यादा खेलता था वो था टेबल टेनिस अपने दो दोस्तों के साथ, अभिजय और अरियंत। तो इन दोनों के साथ मैं टेबल टेनिस बहुत ज़्यादा खेलता था, एंड जिम में जाके हम लोग हमेशा खेलते रहते थे, एंड कभी कभी टाइम एक्सीड भी जाता था तो हमें डांट पिटती थी अपने नेक्स्ट वाले टीचर से, जैसे केमिस्ट्री का पीरियड होता था उसके बाद पीई के बाद। तो प्लस मेरे पास फिजिकल एजुकेशन भी थी तो उसके प्रैक्टिकल में भी हम लोग खेलते थे काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी अच्छी जो है एक्सपीरियंस एंड यादें इसके साथ जुड़ी हैं। तो ये है हमारा जिम एंड द स्पोर्ट्स रूम, यहाँ पे स्पोर्ट्स के सारे फैकल्टीज बैठते हैं एंड आपके HOD वगैरह हो गए। तो यही सब थोड़ा अगर गेट्स के बारे में बात करें तो देर आर मेनली 5 गेट्स इन DPSG। तो जहाँ से मेन गेट हम आए थे Gate 1, ये है आपका Gate 2, Gate 3 आपका वो प्राइमरी विंग वाला जो मैंने आपको बताया था, एंड प्राइमरी विंग के साइड में जो ये आपको बहुत दूर दिख रहा है ये है Gate 4 एंड Gate 5 जो कि बीच में है फुटबॉल ग्राउंड के। तो 5 गेट हैं इसके टोटल, एंड इसी के साथ होता है हमारा पूरा स्कूल टूर कंप्लीट। आई होप आप लोगों को मेरा स्कूल टूर अच्छा लगा होगा, एंड अभी मैं जा रहा हूँ मेन गेट पे एग्जिट करने, मास्क लगा लेता हूँ वरना टोक देंगे वो लोग। तो इसके साथ होता है हमारा स्कूल टूर कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बिकॉज इस तरीके के इंटरेस्टिंग व्लॉग्स रिलेटेड टू कॉलेज लाइफ एंड इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ फॉर जेनी एस्पिरेंट्स मैं चैनल पर लाता रहता हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन वन ऑफ दिस कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड अगर आप व्लॉग में अब तक बने हुए हो उसका मतलब आपको व्लॉग इंटरेस्टिंग लगा, एंड अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करना ना भूलें, एंड जो DPSG वाले लोग हैं वो उससे काफ़ी रिलेट कर पाएंगे। सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, एंड मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय। DPSG कर दिया है एग्जिट, एंड बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो अभी जाके घर सबसे पहले कटाने हैं बाल, एंड उसके बाद मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली एक पॉडकास्ट होने वाला है। टिल देन बाय बाय।